नमस्कार, आइए आज हम देखेंगे एक 6-7 साल के बच्चे के स्वेटर का साइज, फंदे कितने इंच बुना गया है। ये मेरी बहन ने बनाया अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए और मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी और मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रही हूँ। तो देखिए, इसके बॉर्डर में 90 स्टिचेस डाले गए और लगभग 20-22 सलाई बुनी गई। 10 नंबर की सलाई इस्तेमाल करी गई, तो आपके हाथ के हिसाब से, थोड़ा ऊन के हिसाब से सलाई हमको एडजस्ट करनी होती है। यहाँ पर एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बुना गया है, आप चाहें तो 2 सीधे 2 उल्टे का, या जैसा भी बॉर्डर चाहें आप बुन सकते हैं। उसके बाद फंदों को 9 नंबर की सलाई पर ले लिया गया और लगभग 11 इंच तक मुड्ढा घटाने तक बुनाई करी गई। ये बुनाई प्लेन करी गई है, सीधी सलाइयां सीधी बुनी गई हैं, उल्टी सलाइयां उल्टी बुनी गई हैं। तो यदि आप कोई बुनाई डालेंगे तो कुछ बुनाइयां सिकुड़ती हैं, कुछ बुनाइयां फैलती हैं, उस हिसाब से आपको फंदे एडजस्ट करने होंगे। तो हम बात कर रहे थे कि हम आर्म होल तक पहुंच गए, मुड्ढा घटाने तक पहुंच गए। उसके बाद हमने 3, 2 और 1, मतलब पहली सलाई में 3 फंदे घटाए, लौट कर आए, फिर 2 फंदे घटाए, उसके बाद आए, फिर 1 फंदा घटाया। इस तरह से 3 बार फंदे घटाए और उसके बाद जैसे रेगलन गले के लिए एक एक फंदा घटाया जाता है, तो दोनों तरफ सीधी सलाइयों में हमने एक एक फंदा घटाया। एक घटाने की प्रक्रिया में लगभग 6 इंच बुनाई और हुई, तो अब हमारे स्वेटर की टोटल लंबाई हो गई 17 इंच और हमारे फंदे रह गए हैं अब सिर्फ 28 फंदे यहाँ रह गए हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं बाहों पर, तो बाहों के लिए 40 फंदे शुरू में बॉर्डर के लिए लिए गए हैं। उसके बाद अगली जो सलाई है उसमें तो 4 फंदे एक साथ ही एक ही सलाई में बढ़ा दिए गए और उसके बाद प्रत्येक चौथी सलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ, जैसे बढ़ाते हैं सीधे हाथ की तरफ भी एक फंदा बढ़ाया, उल्टे हाथ की तरफ भी एक फंदा बढ़ाया, ऐसे बढ़ाते हुए हमने अपने फंदों को कर लिया 80 स्टिचेस हमारे हो गए और हमारी लंबाई भी पूरी हो गई है। तो उसके बाद हमने फिर से एक बार 3 फंदे घटाए दोनों तरफ, फिर 2 फंदे घटाए दोनों तरफ और फिर एक एक फंदा घटाकर ऊपरी तरफ बहां को शेप दी है। अब इसके बाद जैसे रेगलन स्वेटर में फंदे घटाए जाते हैं, प्रत्येक सीधी सलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ घटाया जाता है, जैसा हमने आगे के पल्लों में भी घटाया, उसी तरह से यहाँ पर बहां में भी एक एक फंदा दोनों तरफ सीधी सलाइयों में हम घटाएंगे और हमारी लंबाई लगभग 6 इंच और हो जाएगी और हमारे फंदे रह जाएंगे सिर्फ 18 स्टिचेस हमारे बचेंगे लास्ट में। तो फाइनली हमको अब दोनों बाहों में हमारे 18 स्टिचेस हैं और आगे और पीछे के पल्ले में 28 28 28 28 फंदे हैं। इन सब को लेकर हमें गले का बॉर्डर बनाना है। इसमें जो चेस्ट का साइज आया है वो है 28 इंच, 14 इंच आगे 14 इंच पीछे, 28 इंचेस की चेस्ट है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार सतर्क करना चाहूंगी कि प्रत्येक व्यक्ति के बुनने का तरीका, ऊन अलग अलग होता है। जैसे मेरी बहन का जो तरीका है वो थोड़ा ढीला बुनने का तरीका है, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखकर ही फंदे और बुनाई करें। स्वेटर में सिलाई सुंदर तरीके से करें और ये बेहतरीन स्वेटर आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज का यह ट्यूटोरियल वीडियो आपको अच्छा लगा है। पुनः एक बार मैं अपनी बहन को धन्यवाद कहती हूँ और आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और आपका अपना ये शारदा निटिंग चैनल भी बूस्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर। तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन
बुनाई और क्रोशिया के ट्यूटोरियल्स। आप सभी के प्यार व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।